खबर जनपद सिद्धार्थनगर से है, जहां पूरे जिले में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जिले के आला अधिकारी शत प्रतिशत मतदान कराने को लेकर जनपद वासियों से अपील कर रहे हैं। वहीं बांसी तहसील के क्षेत्र जलेखोर के ग्रामीणों ने इस बार के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया। आपको बता दें कि ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि कुछ दिन पूर्व गांव में अज्ञात कारणों से आग लगी थी, जिससे फसल व गांव के कई घर जल गए थे। तभी तक प्रशासन का कोई जिम्मेदार ना ही गांव में आया और ना ही शासन प्रशासन से हम सभी को उचित मुआवजा दिया गया। इसके साथ ही हम लोगों का मुख्य मार्ग जो जिगनेवा चौराहे तक जाता है पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। अगर समय रहते हम लोगों की समस्या का समाधान नहीं हुआ व आग से नुकसान का उचित मुआवजा नहीं मिला तो हम सभी ग्रामवासी 2024 लोकसभा चुनाव में मतदान का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने के लिए बाध्य होंगे। इस समय आप वोट का बहिष्कार कर रहे हैं बैनर पोस्टर लेकर के, आखिर आपकी समस्या क्या है? जी सर, पिछले 18 अप्रैल को हमारे यहाँ भीषण आग लगी थी, जिसमें हम सभी लोगों ने प्रशासन से संपर्क किया, लेकिन प्रशासन की कोई सहायता गांव तक नहीं पहुंची और जिससे हम सभी ग्रामवासियों का जो है बहुत क्षति हुआ है। दूसरी बात यह है कि हम सभी लोगों को जो है जिगनेवा मार्ग तक पहुंचने में रास्ता बहुत जर्जर है, जिसका कोई प्रबंध नहीं किया जा रहा है। यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम सभी लोग 2024 में लोकसभा मतदान का बहिष्कार करेंगे। मेरा नाम विजय कुमार द्विवेदी है, जालेखोर मेरा ग्राम है और वोट का बहिष्कार करना हमारी मजबूरी है। 18 अप्रैल को भयंकर आग लगने के कारण चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी। प्रशासन से संपर्क साधने के बाद, लाख गुहार करने के बाद भी कोई प्रशासन का कुतंत्र हमारे यहाँ नहीं पहुँचा, लिहाजा मजबूर होकर के हम लोगों को चुनाव का बहिष्कार करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। अगर प्रशासन इससे बचना चाहता है तो वह गाँव के समस्त लोगों का जितना नुकसान हुआ है, मकान जले हैं, मकान का मुआवजा और उसके बाद फसल का मुआवजा, और इसके बाद जो हमारी तीसरी मांग है एक जो कि सड़क की है, जिगनेवा से होकर के जो सड़क हमारे गांव तक आती है उस सड़क का निर्माण और साथ ही साथ एक दमकल केंद्र की स्थापना हमारे न्याय पंचायत स्तर पर, यही हमारी मांग है और सरकार से ये गुजारिश है कि वो हमारी मांग को पूरे